इंसान की कुदरत के साथ छेड़खानी अब पड़ रही है, इसी पर भारी पर्यावरण प्रदूषण कितना हो रहा है इसके बारे में हम सब वाकिफ है। और हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि वैज्ञानिक कृत्रिम ढंग से इससे निपटने की कोशिश कर रहा है और वो इसमें सत लाभ ही हासिल कर रहा है। ये प्रदूषण महिषासुर की तरह मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। इंसानी लालच के कारण ही ये सब हुआ है। इसके लालच ने धरती के वजूद पर कई तरह के खतरे खड़े कर दिए हैं। वैसे इस जमाने में विज्ञान ने अंधाधुंध तरक्की कर रहा है, लेकिन इसमें वो बहुत ही पीछे रह गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल गर्मी में बेतहाशा बढ़ रही है, जो कि कई तरह की समस्याएं प्रकट कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का हल खोजने के लिए वैज्ञानिक की तरह के पेत्र अपना रहे हैं, जो नई समस्या को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए धरती को कृत्रिम रूप से ठंडा करने की योजना बनाई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुदरत के साथ यह छेड़खानी बहुत ही महंगी पड़ सकती है, जो इसके सही परिणाम के बजाय इसके दुष्परिणाम सामने आ गए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। इस योजना को लेकर कई वैज्ञानिक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि धरती को एक अप्राकृतिक वातावरण में ढालने की कोशिश करना कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देने जैसा है। जानकारी दे दें कि इस विवादित परिकल्पना को जियो इंजीनियरिंग नाम दिया गया है, जिससे कि धरती का नष्ट होना तय है।